असल वरह वरक अलहमदिल्ला वसलामूल्लाबैक मोहतरम मुशाहन अल्लाह रबीन ने अपने बाद जिस शख्सियत का सबसे ज़्यादा अहतराम करने का हुक्म दिया है वो है वालदेन वालदेन किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़े महसिन है और एहसान का बदला सिर्फ एहसान होता है इसीलिए इस्लाम ने वालदेन के साथ जिंदगी के हर मरहले में एहसान करने का हुक्म दिया है और फरमाया विल वालदे एहसाना कि अल्लाह रब्बुल रबालमी ने हुक्म दिया है कि वालदे के साथ हसन सलूक किया जाए लेकिन वालदे का एक ऐसा वक्त आता है जब वो हर एतबार से अपने बच्चों के ज़रूरतमंद बन जाते हैं उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत होती है क्योंकि वह बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाते और बुढ़ापा उन्हें हर चीज़ में कमज़ोर बना देता है। कमजोरी के इन अयाम में उन्हें सहारे की मदद की सपोर्ट की दिलजोई की ज़रूरत होती इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने बूढ़े माँ बाप का खास तौर से ज़िक्र फरमाया है और ऐसी औलाद को बहुत बड़े इनाम का वादा किया है जो अपनी माँ बाप के साथ उनके बुढ़ापे में फुल सपोर्ट का, का काम करता

और उन्हें डांट डपत मत करो वकुल्लहुमा कौलन करीमा और उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ बातचीत करो वख्फिद लहुमा जना हज़्ज़ुल मिनर रहमा और आजिजी के साथ मोहब्बत के साथ आजिजी का बाजू उनके लिए पस्त रखो वकुर रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा और ये दुआ करते रहो कि ए हमारे रब हमारे वालिदैन पर रहमत फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की यह आयत करीमा में बताती है कि वालदेन के साथ हमेशा हुसन सलूक करना है उन्हें तकलीफ नहीं देना है लेकिन जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो बुढ़ापे में पहुंचने के बाद उनके साथ हुसन सलूक करना यह ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसीलिए अल्लाह रबी ने खसूसी तौर पर उसका जिक्र किया कि उन्हें अदना तकलीफ भी औलाद की तरफ से बुढ़ापे में खासकर नहीं पहुंचनी चाहिए फरमाया उन्हें उफ नहीं कहना है उन्हें डांटना नहीं है उनके साथ, साथ बातचीत करना है उन्हें का, का, का किसी भी तौर पर तुमसे तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए और इन खिदमत के साथ साथ यह दुआ करते रहना है कि हमारे रब इन्होंने बचपन में हमारी परवरिश की हमें पाला हमारी तरबियत की हमें बड़ा किया ए अल्लाह तू भी इन पर इसी तरह से रहम फरमा इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा ये बूढ़े माँ बाप का एक हक है जिसे इस्लाम ने बयान किया है लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने बीवी के लिए और अपने कारोबार के लिए माँ और बाप को उनके बुढ़ापे में तनहा छोड़ देते हैं उन्हें लगता है कि हमारी जिंदगी और हमारे सारे मामला वालदेन से कहीं ज्यादा अहम है इसीलिए मां बाप को जरूरत है पैसे की सहारे की सपोर्ट की एक गमगुसार इंसान की लेकिन औलाद अपनी दुनिया के चक्कर में अपने मां बाप को नजरअंदाज करते हैं उन्हें तकलीफें देते हैं उन्हें तनहा छोड़ देते हैं उनके मसाइल को उनके साथ छोड़कर अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं दरअसल ये बदनसीबी का वो रास्ता है जिसको समाज के बहुत सारे लोगों ने इख्तियार कर रखा है इस बदनसीबी का अंदाजा आप इससे लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रगिमा अनफूह ऐसा इंसान जलील हो जाए उसकी नाक खाक में मिल जाए सुम्मा सुमा अनफू फिर उसकी नाक मिट्टी में मिले उसके ऊपर जिल्लत तारी हो सुमा रगिम अनफ यानी तीन बार आपने ऐसे इंसान को जिल्लत और रसवाई की बदवा दी और उसके जलील होने की खबर दी